आज की क्लास में हम विजुअल बेसिक का असाइनमेंट नंबर 23 करने वाले हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन में दिया है कि यूजिंग ड्राइव, डायरेक्टरी एंड फाइल लिस्ट बॉक्स, ये तीन कंट्रोल का यूज़ करना है। आप यहाँ पर नाम आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं कि ड्राइव, डायरेक्टरी एंड फाइल लिस्ट बॉक्स, इन तीनों को यूज़ करना है। और BMP फाइल, BMP मतलब होता है बिट मैप इमेजेस, जिसको इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। तो BMP की जगह आप JPG वगैरह, यानी कि इमेज पिक्चर्स को शो करना है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए एक पिक्चर बॉक्स भी लेना है। तो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि चार चीज़ें यूज़ करनी है, ड्राइव, डायरेक्टरी, लिस्ट बॉक्स और पिक्चर बॉक्स, ये चारों को यूज़ करना है और केवल इमेज को डिस्प्ले करना है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, हम अपने क्वेश्चन में दिया हुआ चीज़ है उससे अपना इंटरफेस तैयार कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं विजुअल बेसिक ओपन कर देता हूँ और अपने फॉर्म पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि वो चारों कंट्रोल ले आ लूँगा। तो ये जो प्रोग्राम है असाइनमेंट नंबर 23, इसमें जो फॉर्म बनेगा वो थोड़ा बड़ा बनाना है आपको, यानी कि मैं इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। देखिए विंडो स्टेट में मैं गया और यहाँ पर मैक्सिमाइज ले लेता हूँ मैं। मैक्सिमाइज लेते ही आपको ये फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। फुल स्क्रीन पर दिखाई देने से फ़ायदा क्या है कि आपको जब मैं इसको रन करूंगा तो पूरी स्क्रीन हमको मिलेगी यहाँ पर डिस्प्ले करने, क्योंकि पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो थोड़ा बड़ा बड़ा एरिया चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं इसको फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लिया। अब फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के बाद मैं वो चारों चीज़ें यहाँ बना देता हूँ। हमको बोला गया है एग्ज़ाम में, सॉरी, हमको बोला गया है क्वेश्चन में ड्राइव लिस्ट बॉक्स बनाइए। मैंने ड्राइव लिस्ट बॉक्स बना लिया। थोड़ा फॉन्ट पहले बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन में चार चीजों को बनाने के लिए बोला गया है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। मैं जानबूझ के इस तरीके से बना रहा हूँ, इसके नीचे ड्राइव बनाया मैंने और डायरेक्टरी बनाया। और आपको एक दो चीज और बोला गया है, देखिए ड्राइव, डायरेक्टरी और फाइल लिस्ट बॉक्स। ये फाइल लिस्ट बॉक्स मैंने ऐसा बना लिया और इसके बगल में जितनी जगह बची हुई है वहाँ पर मैंने बना लिया पिक्चर बॉक्स। आपका ये है इमेज या पिक्चर बॉक्स बना सकते हैं, तो मैंने पिक्चर बॉक्स बना लिया। वैसे इमेज बनाने से ज़्यादा अच्छा कि स्ट्रेच होता है वहाँ पर इमेज, तो पिक्चर के बदले हम यहाँ पर इमेज बना लेते हैं। इमेज बनाने से हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, पिक्चर ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स बना लिया, सॉरी इमेज बॉक्स बना लिया। दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो है स्ट्रेच कर सकते हैं आप और उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैंने इसका अरेंजमेंट कर दिया है, क्लियर है। ये चारों चीज 1 2 3 4 बनाने के बाद आप एक चीज और कर लीजिए कि पिक्चर जो इसमें है इसमें एक स्ट्रेच प्रॉपर्टी होती है, इसको ट्रू कर देंगे तो एरिया जो है वो इतना एरिया में ही पूरी सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। मैं रन करता हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर ड्राइव की लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ पर फोल्डर्स की लिस्ट दिखाई देगी, ऑटोमेटिक डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स और ये फाइल की लिस्ट दिखाई देगी और यहाँ पर पिक्चर दिखाई देगा। लेकिन आप देखेंगे कि मैं ड्राइव चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंजेस, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हमको इनको कनेक्ट करना है कि जैसे मैं एफ ड्राइव लूँ तो यहाँ पर अपने आप एफ ड्राइव के पूरे फोल्डर्स दिख जाएं, फिर कोई फोल्डर को सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर हमको उस फोल्डर के फाइल्स दिख जाएं, और फिर फाइल पे क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पर दिख जाए, क्लियर है। सबसे पहले इन तीनों को हम इससे कनेक्ट करते हैं, ड्राइव को इससे, इसको इससे और इसको पिक्चर बॉक्स से कनेक्ट करेंगे। चलिए कोड करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राइव लिस्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करता हूँ। आप नाम देख लीजिए, इसका नाम है ड्राइव 1, इसका नाम है DIR Directory 1, इसका नाम है File 1, ठीक है। तो Drive 1 में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा कि DIR1.path इक्वल टू Drive 1। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये दोनों जो है ड्राइव और डायरेक्टरी वो कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि DIR का जो वैल्यू है वो चेंज होगा इसके हिसाब से, ठीक है। यानी ये दोनों जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी आ चुकी है, इसमें कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देगा हमको। चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ और देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ड्राइव चेंज कर रहा हूँ तो ये भी पूरा जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने ड्राइव चेंज किया, ये चीज़ चेंज हो जा रही है।
यहाँ पर मैंने ड्राइव चेंज किया, चेंज हो जा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर की फाइल यहाँ नहीं दिख रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अभी नहीं हुई है। अब इन दोनों के बीच में हम कनेक्टिविटी करने वाले हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर कोड विंडो में जाते हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करना है तो सबसे पहले ये वाला जो है आपका ड्राइव लिस्ट बॉक्स, इस पर डबल क्लिक करना है। डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स पे आप देखेंगे कि ये डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। इस पे चेंज पे ना करके हमको क्या करना है, क्लिक इवेंट पे करना है ताकि ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखाई दे। हालांकि यहाँ पे करने पर भी काम करेगा वो, लेकिन क्लिक करने से ज़्यादा जल्दी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमको। तो हमको यहाँ पर लिखना है फाइल वन डॉट पाथ इक्वल टू dir1.path। देखिए यहाँ पर एक चीज मिसिंग है अभी, ये फाइल वन का जो पाथ है वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो गई है, तो वो मिसिंग क्या चीज़ है मैं भी बताऊंगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एफ ड्राइव में जाता हूँ तो इस एफ के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हो गया, और जब मैं PGDCA लूँगा तो यहाँ पर इसके हिसाब से वैल्यूज जो है आपको दिखाई दे रही है। देखो क्लियर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जैसे ही आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। और एफ के बदले हम ई में चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए आप एम भी क्लिक किया तो ये वाला सारा आ गया। इसके अंदर जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्लियर है। अब हमको करना ये है कि कोई इमेज फोल्डर को यहाँ पर लेके आना है। इमेज फोल्डर को लेके आने से क्या मतलब है, चलिए अब इमेज की पूरी फाइल्स की लिस्ट यहाँ पर ले आ देते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर कोई इमेज होगी, क्लियर है। तो हमारे पास एक फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है आपको, फोटो 21, और इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं। ये सारी इमेजेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और इमेजेस देख पा रहे हैं, बट ये JPEG है। ओके JPEG फाइल सपोर्ट हो रही है कि नहीं पहले देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और जब मैं इसको रन करूँगा तो जब मैं एफ ड्राइव में जा रहा हूँ तो फोटो नाम का जो फोल्डर है, फोटोज, इसके अंदर ओके रिफ्लेक्शन चेंजेस पे ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग ये हुई थी कि मैंने ये बोला था कि यहाँ पर dir1 लिख दिया है मैंने, इसमें ड्राइव लिस्ट जो है dir1.path एंड यस। तो अब आपका जो लोकेशन है वो पूरा प्रॉपर आ रहा है। लोकेशन क्या होगा, पूरा प्रॉपर आपको आएगा दिखाई देगा जब मैं एफ में जा रहा हूँ और फोटो Drive 1, इसमें एक कुछ एरर है देखते हैं अभी। इस तरीके से यहाँ पर हमने इंडेक्स वाली जो वैल्यू थी जहाँ पर भी एरर आ रहा था उसको चेंज किया। यहाँ पर जो ये वाला लाइन था इसमें हमने चेंजेस किया है थोड़ा सा, क्योंकि पाथ वो करेक्ट नहीं ले रहा था। अब आप देखेंगे कि एफ ड्राइव में जब मैं जाऊंगा और फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनके सारे फोटोज़ के नाम दिख रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे करना ये है, जैसे इसके अंदर गया तो इस फोल्डर के पूरे डिटेल्स दिख रहे हैं, इसमें क्लिक किया तो इसके पूरे यहाँ पर कुछ नाम दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फ़ोटो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, पिक्चर डिस्प्ले हो जाए। ये सब इमेज फाइल है, क्लियर है। तो पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए अभी मैंने यहाँ पर जो पिक्चर बॉक्स है उसको इससे कनेक्ट नहीं किया है, तो उसको इससे कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक और लाइन का कोड कर देता हूँ। ये वाला जो लाइन है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अब आपको उससे कनेक्ट करना है। तो फिर आप कोड विंडो पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है ये इमेज बॉक्स है और इसको इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन आना है, तो यहाँ पर हम कोड करेंगे, ये कोड हिस्सा होगा हमारा। चलिए कोड करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करेंगे जो फाइल लिस्ट बॉक्स है और यहाँ पर इमेज लिस्ट बॉक्स है उसमें लोड करेंगे। तो फाइल लिस्ट बॉक्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा रहेगा कोड इमेज वन
डॉट पिक्चर, इमेज वन की जो पिक्चर है वो कैसे होगी, वो लोड होगी, लोड पिक्चर, एक प्रोसीजर होता है लोड पिक्चर, और कहाँ से लोड होगी, जो हमारा फाइल का नाम होगा। तो फाइल का नाम कैसे होता है हमारा, dir1.path, dir का जो पाथ होता है वो, ये उसको हम ले लेंगे, dir1 का जो भी पाथ है या फाइल वन का भी जो पाथ है वो भी ले सकते हैं। मैं लिखता हूँ फाइल वन डॉट पाथ, क्योंकि दोनों तो सेम है। और पाथ के बाद आपको फाइल नेम भी लेनी है, तो फाइल वन डॉट फाइल नेम, ये आपका लोकेशन हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सीक्वेंस में रख लीजिए। मैं इसको कट करके यहाँ रख देता हूँ, आपको यहाँ इससे लगेगा कि ड्राइव में जब भी चेंजेस करेंगे तो डायरेक्टरी में चेंजेस आएगा, डायरेक्टरी में चेंज करेंगे तो फाइल में चेंजेस आएगा, और फाइल में चेंज करेंगे तो लोड हो जाएगी पिक्चर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोसीजर हो रहा है, जब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अंदर के जो फाइल्स मिल रहे हैं तो यहाँ चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर यहाँ लोड हो जा रही है। देखिए जैसे जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे वो, लेकिन ये स्ट्रेच मैंने ट्रू कर दिया है इसलिए पिक्चर स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच को आप हटा सकते हैं तो पिक्चर जो है वो ठीक दिखाई देगी। वैसे ही 30 जून पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ के सारे पिक्चर्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से पिक्चर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और पिक्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप यहाँ पर। क्लियर है? अभी जो स्ट्रेच हो रहा है इसको हम और अच्छे से बना सकते हैं कि इस जो एरिया है आपका, इस एरिया को बढ़ा दीजिए ताकि जो स्ट्रेच हो रहा है वो नहीं होगा, थोड़ा मतलब पिक्चर ठीक दिखाई देगी। ये आपने फुल कर दिया और ये स्ट्रेच वाला जो हिस्सा था उसको मैंने बढ़ा दिया, ये क्लियर है। अब पिक्चर और क्लियर दिखने वाली है। मैंने रन किया तो आप देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, इन दोनों को कनेक्टिविटी दी है और इसको इससे कनेक्टिविटी दी है और इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी दी है। मतलब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा तो उसका चेंजेस यहाँ दिखाई दिया, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ तो उसका चेंजेस यहाँ दिखाई दिया, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी हटा करके आप एकदम क्लियर पिक्चर देखेंगे, लेकिन वो पिक्चर बड़ी रहेगी तो हम पिक्चर कटेगी। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 23 था। क्लियर? चलिए।